और अब अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकार अकबरपुर प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शुक्ला के कुशल नेतृत्व में थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट की घटना कारित करने वाले दो साथी लुटेरों को एक मोबाइल ओप्पो कंपनी व एक अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि राजकुमार पुत्र जगतनाथ निवासी धर्मसारी थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर जो कि ट्रक ड्राइवर है, जिसके द्वारा दी गई तहरीर जिसमें दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीन ले जाने की बात अंकित थी। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त गढ़ों में एक अरुण पुत्र स्वर्गीय राम विशाल पुत्र चित्रवीर निवासीगण छिटिकपुर रनिया थाना अकबरपुर कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से एक लूटा गया मोबाइल ओप्पो कंपनी व घटना कारित करने वाले एक अदद मोटरसाइकिल यूपी 77AH 2932 प्लेटिना बरामद हुई। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गढ़ों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट का मोबाइल और एक बाइक जिससे ये लूट कार्य करते थे गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।